Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी. उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे. बिल्कुल, लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे और मैचेस को भी एंजॉय कर रहे होंगे. आजादी कप का फीवर है हाई, वही दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से भी नून और जुनून आमने सामने होंगे. किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन ये बाजी मैदान मारेगा और किस तरीके से इस इलेक्शन का पलड़ा जो है वो किसकी तरफ भारी होगा, इस हवाले से आज हम अपने शो में बात करेंगे. अगर सियासत के मैदान से खबरें शामिल करें तो गुज़िश्ता 2-3 रोज में सियासत के मैदान से खबरों ने बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ और सियासत के मैदान से खबरों में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. और इन चेंजेस की वजह क्या है? डेफिनेटली NA 120 के इलेक्शंस हैं जिसमें जोरदार कैंपेन जारी है. एक तरफ अपोजिशन भी मुतारिक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज शरीफ जो है तकरीर कर रही है, तनकीद कर रही है, जोरदार बयान दे रही है, साथ साथ उन पर भी तनकीद हो रही है. और दूसरी जानिब हमने देखा कि कल इमरान खान साहब के लिए बड़ा भारी तरीन दिन था जिस पर हमारे इदारे और हमारे तमाम जितने भी सारे मीडिया वाले हैं वो यही कह रहे थे कि जी कल का जो दिन है इमरान खान साहब के लिए काफी भारी रहा. उसकी वजह ये थी कि दो उनके खिलाफ जो है वो केसेस आए थे, दो केसेस की समाअत थी जिनमें उनके नाहली के हवाले से भी था और एक केस में जो है उनके लिए वारंट भी जारी किया गया था. उस हवाले से इमरान खान साहब के जो वकील थे उन्होंने यही कहा कि जी वो अभी आए हैं और डेफिनेटली जब 18 तारीख को पेश होंगे तो फिर पेशरफ्त होगी. दूसरी तरफ अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग का अपना जो स्टांस है वो बरकरार है कि जी NA 120 में तो बाजी हमने ही मारनी है. अगर दूसरी बात की जाए सियासी जोड़ तोड़ की तो ताहिरुल कादरी की बड़ी अहम मुलाकात कराई है शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब से और देखते हैं कि अब मजीद कितनी मुलाकातें होती हैं, मजीद कितने गठजोड़ होते हैं, मजीद सियासत में क्या तब्दीलियाँ आती हैं. इसके अलावा साथ साथ आज हम बात करेंगे आज़ादी कप के हवाले से भी जिसका आज देखा जाए तो बड़ा सनसनी खेज जो है वो मुकाबला होने जा रहा है और ये मुकाबला होने जा रहा है और लेट्स सी कि आज कौन जीतेगा, क्योंकि आज जो जीतेगा ना फिर बाजी उसी की होगी और कप भी फिर उसी का होगा. लेकिन हम दोनों टीम के लिए बेस्ट विशेस देते हैं क्योंकि इतने मुश्किल हालात में वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ साथ NA 120 के हवाले से खास बात ये करना चाहूँगी कि इसमें आज न्यूज़ के तमाम रिपोर्टर्स जो हैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं. बिल्कुल जनाब, आज हम बात करेंगे दो अहम मौजू के ऊपर. और सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनाब आज एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. वर्ल्ड 11 और पाकिस्तानी टीम आमने सामने होंगे और आज जो भी मैच जीतेगा वो सीरीज भी अपने साथ ले उड़ेगा. तो जनाब दोनों टीम्स को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे. लेकिन एक तरफ जहाँ ये मार्का होने जा रहा है वहीं पर दूसरा बड़ा मार्का होने जा रहा है इस बार को, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि NA 120 के लिए अभी तक तमाम कैंपेन्स की गई हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो रात तक हमने देखा के सरगर्म रही, कहीं जलसे निकाले जा रहे हैं, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं पर रैलियां निकाली जा रही हैं और सबका इस वक्त एक जो है ना वो इस वक्त फोकस पॉइंट सिर्फ NA 120 है. क्योंकि ये एक हल्का भी बहुत अहम है और ये हल्का इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आगे आने वाले इंतखाबात का भी शख्साना हो सकता है. और कहा जा रहा है कि इस बार जो भी नतीजा आया उससे हमें आइडिया ये जरूर हो जाएगा कि 2018 के इलेक्शन में हुकूमत जो है वो किसकी होगी. तो ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो आज हम शो में बात करेंगे कि इस वक्त जो तमाम तर सियासी सरगर्मियां तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस वक्त रबा दबा है, उन एक्टिविटीज का इख्तिताम कहां पर होगा और जीतेगा कौन इस हल्के से, क्योंकि ये हल्का हमारे लिए भी उतना ही अहम है. अच्छा जनाब, एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन रही है, दूसरी तरफ आज के शो में हमने और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है. उसमें से इमरान खान के ऊपर अभी हमने देखा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं तो एक तहरीक इंसाफ में हलचल सी मच गई है. और इस हलचल की वजह से अब हो क्या रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी घबरा गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर रही है और ताहिरुल कादरी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, साथ साथ MQM से भी उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए राबता किया है. तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनके रवाबित भी बढ़ना शुरू हो गए, जबकि इमरान खान का इस सबके ऊपर ये कहना है कि जनाब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार किसने दिया कि वो वारंट गिरफ्तारी जारी करे. तो ये एक सवाल जो है वो इंतहाई अहम यहाँ पर उठता है. तो इन तमाम सिचुएशंस पर भी आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ एक और मारूफ जो हमारे अदाकार हैं जो कि इस वक्त इंतहाई बुरी इसके सिचुएशन में है और जो उनके साथ कल वाकया पेश आया उस सब पर भी आज हम बात करेंगे कि वो कौन है और इन तमाम सूरत हाल में जो है वो इतनी खामोशी अब तक क्यों इख्तियार की गई. बिल्कुल, हमारे लेजेंड्स की इस तरह की हालत को देखकर आवाम क्या सोचती
सकती है और हम आपको क्या बताएंगे इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग। आज अभी हम जा रहे हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। मुल्क की सियासी कयादत मुकदमात की जद में है। अदालतों ने सियासी कायदीन को भी तलब कर रखा है। नवाज शरीफ और इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं। हलका एनए 120 पर जिमनी इलेक्शन के लिए होने वाले जिमनी मार्के की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। मैदान कौन मारेगा फैसला आवाम 17 सितंबर को करेंगे। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में मारूफ अदाकार इफ्तिकार कैसर के साथ होने वाला सलूक इंतजामिया की आंखें खोलने के लिए काफी। हुकूमत सेहत के शोबे जनाब जंग मेरे पास है एज यूजुअल। और जंग में क्या खबरें हैं। जंग में जो खबरें हैं वो जो पहली खबर है वो तोहीनी अदालत से केस के हवाले से है कि तोहीनी अदालत केस इमरान खान के वारंट 1 लाख मचल के और जाती हैसियत में 25 को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुक्म में इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ठीक है, कल हमने देखा कि किस तरीके से दोनों समाती थी और किस तरीके से तोहीन अदालत केस में इमरान खान साहब के वारंट जारी किए गए हैं। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो मजीद कहना है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में मेरे वकील के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई को फौरी रोका, उनको में इम्तना दिया जाए। इमरान खान के वकील बाबर अवान की इस्तदा 5 रुकनी कमीशन ने समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। तो ये सिलसिला 25 सितंबर तक मुलतवी हो गया है और लेट्स सी इसमें बाबर अवान की जानिब से यही बयान सामने आया था कि इमरान खान साहब किसी मसरूफियत की वजह से इंग्लैंड में थे और वो वापस आए हैं और उसके बाद अब वो पेश होंगे और डेफिनेटली जितने भी तहफ़ात हैं अदालत के वो दूर करेंगे। तो लेट्स सी PTI अब कितना ज़्यादा केपेबल है इन तमाम मुकदमात से निपटने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आज एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के दौरान। तो जनाब तमाम तर मसरूफियत जितने भी सियासतदान हैं उनकी अपनी जगह, लेकिन आज के मैच को देखने के लिए ना सिर्फ इमरान खान बल्कि वजीर आजम की भी आमद मुतवक्की है। और वो कह रहे हैं कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी जो है वो आज का मैच देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में पहुंचेंगे। तो ये तो एक बड़ी जबरदस्ती खबर है कि जनाब जितनी भी सियासी एक्टिविटीज अपनी जगह चलती रहे, लेकिन जब इस तरह के कोई इवेंट्स आते हैं, ईद का समा बन जाता है, तो डेफिनेट हमारे सियासतदान भी जो है वो कहीं पीछे नहीं रहते। और मेरा ख्याल है कि अभी बहुत से और नाम भी ऐसे सामने आएंगे जो कि आज कज़ाफी स्टेडियम में हमें जरूर नजर आएंगे और ये सितारे जरूर चमकेंगे भी। अच्छा जनाब, एक्सप्रेस रोज़नामा की अगर मेन खबर की हम बात करें तो एक्सप्रेस रोज़नामा में आज सबसे बड़ी खबर जो है वो इमरान खान के बयान के हवाले से लगाई गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि NA 120 में इस वक्त इंतखाबी मार्के के लिए तैयारियां की जा रही हैं, बहुत ही जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं और जगह जगह पर जो है वो खिताब भी किए जा रहे हैं। तो इमरान खान का कल जो खिताब था वो इंतहाई अहम था और नवाज शरीफ को एज यूजुअल उन्होंने जो है वो इसे जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और आए रोज जो है वो उनके खिलाफ बयान आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ आज बयान लगाया हुआ है कि NA 120 में करप्शन के गॉडफादर को शिकस्त देंगे। इमरान खान का ऐसा कहना है, साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इतवार के दिन जो है इस बात का फैसला हो जाएगा कि अदलिया जो है वो जीतेगी और करप्ट माफिया जो है वो लाहौर से भी पाक हो जाएगा। तो ये बयानात इमरान खान के आज एक्सप्रेस रोज़नामा ने अपनी मेन लीड लगाए हैं। अच्छा जी, अगर बात की जाए ओवरऑल NA 120 के हवाले से और इसकी कैंपेनिंग के हवाले से, तो जैसे कि अनम ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी इतवार को फैसला हो जाएगा और इतवार को जीत जो है वो इंसाफ की होगी, तो बिल्कुल इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ की जानिब से भी तनकीद का सिलसिला जारी है और वो यही कहती हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो NA 120 के हवाले से कैंपेनिंग भी जारी है और हम आपको साथ साथ अपडेट भी करते जा रहे हैं कि किस तरीके से इन समातों का सिलसिला है। अखबारों में भी इस हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन एक और अहम खबर जो इस अखबार में है वो है इमरान खान और ताहिरुल कादरी के दरमियान 3 साल बाद होने वाली अवामी मुलाकात के हवाले से। शेख रशीद साहब ने यह मुलाकात करवाई है और कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मुलाकात है। और अब जैसे जैसे 18 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे कैंपेनिंग जोर पकड़ेगी, वैसे वैसे देखना यही है कि अब कौन कौन सी जमातें जो है वो एक हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो उसमें जो फाटा अराकीन है और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि डेफिनेटली 18 के इलेक्शंस आ रहे हैं और गठजोड़ का जो सीज़न है वो शुरू हो रहा है। अच्छा, अगर मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की खबर आपको बताऊं तो ये खबर है जनाब
कराची के हवाले से, और कराची में जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान करना शुरू किया, तो चालान किए गए 4,700 से ज्यादा जो है वो चालान किए गए और 304 मोटरसाइकिल्स को जो है वो जब्त कर लिया गया, जिस पर शहरी काफी गुस्सा है कि जी अगर ऐसी पाबंदी लगानी थी बाजाबता तौर पर तो पहले बताना था। और साथ साथ 7,15,050 रुपए के चालान किए गए, और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी अब चालान भी होगा और आपकी बाइक्स भी जब्त होंगी, तो जो ट्रैफिक के जितने भी कवायद और जवाबित है उनका ख्याल रखिए और साथ साथ हेलमेट जो है उसका इस्तेमाल करिए। आवाम का शिकवा यहाँ पे सबक बिल्कुल भी मुझे लगता है बजा नहीं है, क्योंकि इस बारे में पहले से ही बता दिया गया था कि जी अगर आप लोग मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो डेफिनेटली उस चीज की सजा तो मिलेगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस हवाले से अब हम लोगों ने भी कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो भी इस तरह के वारंट्स सामने आ रहे होते हैं या जो भी इस तरह के अहकाम सामने आ रहे होते हैं उनसे आपको भी आगाह रखें। तो जनाब बिल्कुल जो लोग बाइक चलाते हैं कोशिश कीजिए कि जब भी आप बाहर निकले आपके पास हेलमेट हो, क्योंकि आए रोज इस तरह के हादसा में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो हम इसी हवाले से शेयर करेंगे और वो है जनाब 8 और 10 मुहर्रम के हवाले से कि तब भी डबल सवारी पर पाबंदी होगी। तो ये मत कहिएगा कि बाद में हमें पता नहीं था और हमें जनाब जी किसी की ऑब्वियसली बात है 8 और 10 मुहर्रम को तो जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल अपने जहन में रखना है और डबल सवारी जो है उसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा जनाब, एक और चीज यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे हम, और वो है जनाब वजीर आजम शाहिद खाकानबाजी के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनरल असेंबली के इजलास होने जा रहे हैं, तो उसमें शिरकत के लिए न्यूयॉर्क के लिए कल वो रवाना हो रहे हैं। आज तो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि वो मैच देखेंगे, लेकिन कल जो है वो जनरल असेंबली के इजलास में जाएंगे, वहां पर शिरकत करेंगे और वहां पर जो है उसके लिए वो कल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये जो थी वो कुछ छोटी मोटी खबरें जो थी वो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपने बात की, न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं, वहां पर यही कहा जा रहा है कि उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं और पाकिस्तान का एक स्ट्रांग मौकअप लेकर जा रहे हैं। उससे पहले ख्वाजा आसिफ भी खारजा पॉलिसी के हवाले से काफी दौरे कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में पाक अमरीका जो ताल्लुकात हैं हो सकता है कि वो कुछ चेंज हो जाए, इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे। लेकिन एक और अच्छी खबर जो है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग जोरों पर है, आज आखिरी दिन है और तमाम लोगों की तरह अपोजिशन और सियासी जमातें भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हैं, वहीं पिशावर से आपको एक बड़े मजे की इंटरेस्टिंग सी न्यूज है कि पिशावर में एक शख्स ने अपनी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट लगाई हुई थी कि मुझे क्यों निकाला, जिसके बाइस जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसको पकड़ा और उसका चालान किया और उसने कहा जी मेरे बच्चे ने ये नंबर प्लेट लगा दी थी तो इसलिए मैंने ये लगाई हुई थी। बहरहाल 200 रुपए का उनका चालान भी हुआ है और इससे आपको अंदाजा होगा कि इलेक्शन का फीवर जो है एनए 120 का वो कितना हाई है और 18 में फिर क्या जज्बा होगा, क्या जुनून होगा। मेरे ख्याल में लोगों ने अपने घर के बाहर जो है ना वो फेवरेट स्लोगन लगाए होंगे। अच्छा, एक और ज्यादा ही मजाक उड़ रहा है, मुझे क्यों निकाला, और अब मेरे ख्याल है कि हर बच्चा और बंदा जो और तमाम सियासतदान जो है वो इसी का जवाब दे। अच्छा ठीक है, और कुछ शॉर्ट न्यूज इसमें मेरे पास जो खबरें हैं वो ये है कि नास्ट्रिया में जो है वो हमला किया गया है, और इसके अलावा जो खबर है वो खबर है F10 से, F10 के सेक्टर F10 में ट्रैफिक जैम हुआ तो वहां पर ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं थे, तो चीनी खातून आ गई और उन्होंने ट्रैफिक के फराइज अंजाम दिए और फिर इस तरीके से तमाम सूरत हाल को उन्होंने कंट्रोल किया। अब चलते हैं मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं और अनम हम कहाँ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हम इस्लामाबाद ही जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है वो जाएंगे लाहौर, और लाहौर में जानते हैं कि इस वक्त कैसी तैयारियां जारी है, बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है आज लाहौर के अंदर। हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। जी हुमा, बताइएगा आज आखिरी मैच है, सारी टिकट्स जो है वो सेल हो चुकी हैं अब तक के नहीं? बिल्कुल, आज सारी टिकट्स जो हैं वो तो सेल हो चुकी हुई हैं और बड़ा टाकरा है उसके लिए। शायकीन की तादाद जो है वो यकीनन 2 बजे के करीब तो पहुंचना शुरू हो जाएगी कजाफी स्टेडियम की तरफ, जिस पर हम लोग देखेंगे भी, क्योंकि तैयारियां बड़ी खूब होती हैं, देखने के काबिल होती हैं, तो यकीनन वहां पर जो खड़े होंगे वो आपको दिखाएंगे भी कि लोग कितने ज़्यादा तैयार होकर वहां पर पहुंचते हैं। और अगर वहां की तैयारियों के साथ साथ घरों में भी इसी तरह पार्टीज का सिलसिला आज फिर जारी होगा और आज भी पार्टी थ्रो की गई है, और 7 बजे के करीब जब ये मैच शुरू होता है तो उससे पहले जो है जितने भी लोग हैं वो अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और फिर ये मैच देखते हैं, क्योंकि लास्ट मैच जो था वो वर्ल्ड 11 जीत चुकी हुई है, तो आज का मैच जो है वो बहुत खूब होगा क्योंकि आज देखने में मिलेगा कि ये सीरीज जो है वो किसके नाम होती है। इसके अलावा टाकरे का अगर जिक्र करें तो मैच के टाकरे के साथ साथ NA120 का टाकरा जो है वो भी इस वक्त जारी है, तो NA120 के लिए भी आज कैंपेन का आखिरी डे है, तो आज जो जो लोग जिस तरह की भी कैंपेन करनी है, डोर टू डोर जाना है, जिस जिसको भी कहना है आज वो कहेंगे, तमाम की तमाम पार्टी जो है वो आज फिर अपने खिताब भी करेंगी और तमाम जो डोर टू डोर मुहिम लाहौर से अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जोश और जज्बा उरूज पर है। अच्छा, क्या सूरत हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद चलते हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर चलाकी की तो चेयरमैन साहब तो अब अखबारों में आ रहा है कि एक नए चेयरमैन आ रहे हैं।
हम इनके रेफरेंस को देखेंगे, हमारा मकसद हल हो गया, हमारा मकसद केस करना नहीं है, हमारा मकसद पेड़ गिनना नहीं है आम खान है। और अगर आज ये रेफरेंस दाखिल हो गया तो समझ लें अल्लाह ताला ने हमें ये दूसरी विक्ट्री दी, और तीसरी विक्ट्री के लिए एलएनजी के लिए शायद मैं कतर जा रहा हूँ, दोहा जा रहा हूँ, असल पेपर लूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ खाकान अब्बासी साहब को, अल्लाह सुबहाना ताला को मंजूर हुआ तो असल पेपरों के साथ इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट में आऊंगा। और जो ये समझ रहे हैं कि असल पेपर एलएनजी के छुप सकते हैं, वो अकल के अंधे हैं, वो कम अकल हैं, वो जेर बस्ती के शिकार हैं कि 15 साल का मुआहदा करें और कागज रुका रहे, दो केस दूसरे केस का फैसला आज हो जाएगा इंशाल्लाह, ताबूत भी निकलेगा और सबूत भी निकलेंगे, और तीसरा केस फिर आखिरी एलएनजी का है, उसमें भी हम जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेख खुर्शीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि ताबूत भी निकलेगा और सबूत भी निकलेंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि पेड़ गिनना नहीं है, आज अगर ये केस दाखिल हो गया तो समझे अल्लाह ने विक्ट्री दी है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शेख ख़ाकान अब्बासी को भी वो चैलेंज करते हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? कराची। अब हम कराची की जानिब जाएंगे और जानेंगे कि कराची में आज कौन कौन सी एक्टिविटीज होने जा रही है। एहसन अब्बासी इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। जी एहसन, बताइएगा कि कराची के हवाले से क्या क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, रात गए कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की जानिब से और जमशेद टाउन पुलिस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन किया गया। बताया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था जो रात की तारीकी में किया गया। इस दौरान जो है 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बताया गया कि नकदी मंशियात असला और दीगर मसरूका सामान जो है वो इनके कब्जे से बरामद हुआ है। ऑपरेशन जो है घर घर तलाशी के दौरान जो है ये सारा अमल में आई गिरफ्तारियाँ। 10 मुश्तबा अफराद को जब हिरासत में लिया गया तो नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया जहां उनसे पूछगछ का सिलसिला जारी रहा। ऑपरेशन बताया गया कि तकरीबन 3 घंटे से जायद के वक्त में यह ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। लजबेला के इलाके में जो होने वाला ऑपरेशन था उससे 7 अफराद हिरासत में लिए, जबकि बाकी अफराद जो है वो दीगर ऑपरेशन में कार्रवाइयों में हिरासत में लिए गए। रात जमशेद टाउन में जब राबता किया गया हिरासत में लिए गए मुलजमान के हवाले से तो बताया गया कि 2 अफराद जो है वो इस तमाम तर ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए, जबकि बाकी तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले अफराद से जब रابطہ करने की कोशिश की तो उनमें से 2 अफराद से रابطہ हुआ तो पता चला कि जो 10 अफराद थे हिरासत में लिए गए थे उनमें से सिर्फ 2 ही मुलजिमान थे जिनकी गिरफ्तारी मुकदमा किया गया है जिन पर, जबकि बाकी 8 को छोड़ दिया गया, किसी से 3 और किसी से 5,000 रुपए। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कराची में ऑपरेशन जारी है, पटेल पाड़ा हो, औरंगी टाउन हो या फिर जमशेद टाउन हो, वहाँ पर काफी ऑपरेशंस किए गए हैं और कामयाबी हासिल की है। आगे चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ और देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक। जी वसीम रजाक, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर मौजूद नहीं है, उनसे राबता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में भी आज बहुत से आम केसेस की समाप्त होने जा रही है और साथ साथ आज की जो मेन हेडलाइंस हैं वो भी इसी हवाले से रही है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम बयान जो है वो सामने आए। इस वक्त वसीम रजाक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, एक बार फिर से उनकी जानी बढ़ेंगे। वसीम रजाक, बताएगा इस्लामाबाद में आज कौन कौन से अहम केसेस की समाप्त होने जा रही है? जी बिल्कुल, अगर वफाकी दार हुकूमत की बात करें तो वफाकी दार हुकूमत में माहौल काफी ज्यादा गर्म है। आज सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ा केस पानामा केस पर नजरसानी जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनकी आज तीसरा दिन है समाअत का, और गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई ख्वाजा हारिस जो कि वज़ीर आज़म के वकील थे और शेख हामिद जो कि दार वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है जो उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से कल दलाइल मुकम्मल, कल जस्टिस खोसा की जानिब से बेंच की जानिब से ये कहा गया कि अदालत का काम इंसाफ काम करना है और तमाम जो लोग तमाम पक्ष के जो शहरी हैं वो अब अदालत सुप्रीम कोर्ट के लिए पर हैं और उन्होंने आइन की पासदारी करनी है, आइन के हर नुक्ते पर करना है। आज फिर इस नजरसानी अपीलों पर समाअत होगी और सलमान अकरम राजा जो के सबक वजीर आजम के बच्चों के वकील हैं उनकी जानिब से आज दलाइल दिए जाएंगे। खुर्शीद अहमद की जानिब से एक एप्लीकेशन पुट की गई थी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नैब के हदायबिया पेपर्स मिल पर रेफरेंस अपील दायर ना करने पर, उस केस की भी आज समाअत होगी और आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच इसकी समाअत करेगा और यह समाअत आज 9:30। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में समाअतों का सिलसिला है जबकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जोश जज्बा भी उरूज पर है, चाहे NA 120 का हो या फिर वर्ल्ड 11 के हवाले से आजादी कप का। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब अखबारों में क्या कुछ था ये तो हमने जाना, और आज किन किन टॉप स्टोरीज पर हम बात करेंगे ये भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौजूद जो कि इस वक्त अखबारों में जेरे बहस है इन पर गुफ्तगु करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से। नफीस साहब आज मैं चाहती रही थी कि हम किसी अच्छी खबर से जो है वो अपने एडिटोरियल का या जो कॉलम्स या आर्टिकल्स हैं उनका आगाज करते हैं, लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो है वो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे और आपने बताया कि वो कॉलम्स में इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है। अफसोस की बात यह है कि इस तरह का वाकया पेश आया है इतने बड़े शहर कराची के अंदर रहते हुए, जहां पर एक कपल को करंट लगाकर मार दिया गया। क्या लिखा है दारियों ने इस हवाले से? जी हाँ ना, ये बहुत अफसोसनाक वाकया आया हुआ, ये इब्राहिम हैदरी कॉलोनी थी, वहां पर एक बख्ताज 15 साल बच्ची और एक 17 साल गनी, ये इन दोनों का थोड़ा सा अफेयर चला और इन्होंने शादी करने की अहद वमा की है, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है मेमन एजेंसी है फाटा से इनका ताल्लुक है, ये फैमिली यहाँ का सेटल हुई थी और ये दोनों तकरीबन ये जा ही रहे थे हैदराबाद में, इनके वालिद का फ़ोन आया लड़की का कि आप वापस आ जाओ हम आपकी शादी करवाते हैं, इन्हें धोखे से बुलाया गया और फिर बड़े ही भयानक अंदाज में उनका कत्ल हुआ। पहले लड़की को चारपाई से बांध कर उनके अंकल ने, वालिद ने, भाई ने करंट लगाया, जब तक वो मरने की उसे करंट लगाते रहे, उसके बाद उसके जो यानी कि लड़का था उसको दूसरे दिन उसको कत्ल किया गया और उन दोनों का जनाजा भी नहीं पढ़ाया गया और उनको रात की तारीकी में अंधेरे में दफन कर दिया गया। ये तो एक मुखबिर ने इतला दी पुलिस को, तो पुलिस ने हमने देखा कि बुध के रोज़ जो है उनकी कब्र कुशाई की गई और फिर मालूम हुआ कि वाकई उन्हें करंट दे के मारा गया है। तो अब जिरगे के काफ़ी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और सरबरा लेकिन अभी भी मफरूर है। इस हवाले से इदारिया आया है बारबेरिक मर्डर्स डॉन का और उसमें यह तकाजा किया गया कि हमने बहुत सारी ये जो एक फनामिना है हम ये देख रहे हैं कि एंटी डुलोगियन नोशन ऑफ ऑनर किलिंग जो है इसका खात्मा इसलिए ज़रूरी है कि हम ये देखने के पहले तो ये था कि देहातों में या किसी फेडरलिज्म को हम इल्ज़ाम देते थे कि वहाँ पर हो रहा है, लेकिन अब ये शहरों में आ रहा है। तो इसका इदारिया ये कहते हैं कि ये मतलब नहीं है कि लोग फैमिली अगर माइग्रेट करके आ गई हैं तो अपने कल्चर को ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये बहुत पुराना एक वो है जिसकी हमें सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। अभी हमने देखा था पिछले साल हमने बाकायदा लेजिस्लेशन भी पास की, सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं लेकिन जो है ऑनर किलिंग कम नहीं हुई है। पाकिस्तान में 1000 के करीब जो है वो पर हर साल जो है वो 1000 ख्वातीन को ऑनर के नाम पर नाम निहाद ये उसके नाम पर मार दिया जाता है और तकरीबन अभी अगर आप 3 साल में देख लें तो 2300 से ज़्यादा तो ये हो चुकी हैं। बिल्कुल। अच्छा आपने इस वाक़े का जिक्र किया इसलिए फाटा के हवाले से वाक़ा था कि वहाँ से इनका ताल्लुक था दोनों का, तो मुझे इसलिए फ़ौरन से जहन में एक बात ये आई कि इसलिए तो फिर फाटा के जो अवाम है वो कहते हैं कि जी हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जी हम भी पाकिस्तानी शहरियों के जैसे हमारे हकूकों जिरगा सिस्टम से हम निजात दिलाना चाहते हैं, तो अगर जिरगा सिस्टम में या रिवायती बरदरियों के सिस्टम में इतने अच्छे फैसले होते तो मेरे ख्याल में आज फाटा का ये मसला ना बना हुआ होता, वो कौमी धारे में लाने की उनको बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन असबा इसमें थोड़ा सा ये है कि जो नई जनरेशन है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही है, वो थोड़ा सा वो उस बगावत कर रही है उस पुराने कल्चर से जो कि उनके लोगों ने इन्फोर्स किया हुआ है। लेकिन ये पुरानी है, ये कोई आज की बात है, ये बर्तानिया के दौर में नफीस साहब यही बात आपसे कहना चाह रही थी कि ये कोई अभी की बात नहीं है, जिरगा सिस्टम तो बहुत पुराना चले आ रहा है, लेकिन अब जाके मैं पिछले दिनों कुछ खबर भी देख रही थी इसी हवाले से कि अब कुछ कार्रवाई करेंगे, कहाँ कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर, कुछ अभी सामने आई है इस तरह की इतला आपके? देखिए जिरगा सिस्टम में तो अभी हमने देखा था बीच में रेगुलाइज करने की कोशिश की गई थी, ये बात सही है कि हमें जो है बाकायदा इसमें कोई भी इसका तो हमारी सोसाइटी में इस किस्म की जो हरकत है उनको तो कभी भी काबिल कबूल होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अभी हमने देखा सजाए मौत भी हो गई है, लेकिन हमें माइंडसेट की जरूरत चेंज करने की जरूरत है और बाकायदा ये इसकी तो इदारियों ने भी कहा कि इनके लिए तो जो ना इसमें एक जो अहम कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो लोग ऑनर किलिंग करते हैं ना उनको ये पता होता है कि हमें भी सजा होगी, लेकिन ये उनकी अब रिवायत बन चुकी है कि ऑनर किलिंग करना है और उसके बाद फिर हमने सजा भुगत लेना है, तो मतलब ये अब एक ट्रेडिशन सा है कि ठीक है वी एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी रिवायत से हटके तो हमने ऐसा किया। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कानून बनाने से ज्यादा जरूरत यह है कि काउंसलिंग की जाए, लोगों के पास जाया जाए और ऐसी जगहों पर जहां पर जिरगा सिस्टम है, रिवायती ट्रेडिशन है, कम से कम उन लोगों की काउंसलिंग हुकूमती तौर पर भी की जानी चाहिए कि आपके घर में कितने अफराद हैं, पढ़ाई का निजाम क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे रहते हैं, ये बड़ा जरूरी है। अगला इदारिया बिल्कुल सही बात है और ये मैं एक छोटी सी बात इसमें ये कर दूं कि ये जो आप ये जो इस तरह कर रहे हैं ना ये सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप किसी तरीके से इबरत हासिल करें, हमारी पूरी कम्युनिटी इबरत हासिल करे इस तरह की सजाएं जो होती हैं और इसके लिए इसका सदबा बहुत जरूरी है।
जमहूरियत के नागुजीर तकाजे, जंग का एडिटोरियल है। आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अक़वामे मुत्तहिदा के तहत जो है उनकी इंट्रा पार्टी पार्लियामेंट्री यूनियन की एक तकरीब होती है न्यूयॉर्क में, जिसमें जो है ये इसके लास्ट उसमें अलामिया में 20 साल हो गए, उसकी आज सालगिरह मनाई जा रही है उस अलामिया की, जिसमें जो है तजदीद की गई थी कि इकदार जो है जमहूरियत के इनको हम इनको फोकियत दी जाएगी और इनके लिए हम इकदाम करेंगे। और लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर हमारे फिलासफर्स को तकारीर करा रहे हैं, हमारे रहनुमाओं को की तकारीर करा लें, वो घंटों जमहूरियत के फवाद बताते रहेंगे, उस पर तकारीर होती रहेंगी, लेकिन जहाँ तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम देखते हैं सिर्फ हमने एक नोशन बना ली, हमारा एक तस्वुर ये कि वोट के जरिए हुकूमत आ गई, दैट्स ऑल, जमहूरियत बन गई। जमहूरियत के ऊपर अब ये जो खिताब होते हैं उसमें सिर्फ यही बात सुनने को मिलती है, जमहूरियत के ऊपर हम कोई सवाल नहीं आने देंगे, जमहूरियत को लेकर चलेंगे। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है जमहूरियत की धज्जियां भी यही लोग उड़ा रहे होते हैं, पासदारी कहाँ की जा रही है जमहूरियत की, आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जो कायदीन है हमारे वो किस तरह से इस चीज को लेते हैं, इस डेमोक्रेसी के हवाले से उनके किस तरह के तासुरात हैं और प्रैक्टिकली वो सबसे कितने मुख्तलिफ। बिल्कुल, और यही इदारिया ही कहता है कि आपको सोचना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि 36 साल आपके जो है डिक्टेटर्स ने ले लिए हैं। आप देखिए जनरल याहिया से लेके जनरल अयूब, जनरल याहिया, जियाउल हक और फिर परवेज मुशर्रफ, 36 साल डिक्टेटर्स ने, उसके बाद भी आपने सबक नहीं सीखे, अभी भी आप एक दूसरे की टांगे खींचने के चक्कर में हैं, एक दूसरे पर अब आप देख रहे हैं इल्जाम तराशियां हो रही हैं, ये इस वक्त का जो उनवान है इस साल वो है इस्तेहकाम इदारों में, जमहूरी इदारों में इस्तेहकाम, तो आप देख लें हमारे इदारों में कितना इस्तेहकाम चल सकती है, लेकिन बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए, अपोजिशन जमाते हो या गवर्नमेंट हो, बर्दाश्त करके चलेंगे तो जमहूरियत भी चलेगी, लेकिन अगर एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में जमहूरियत नहीं चल सकेगी। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, दो अहम एडिटोरियल के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की और अब एक नजर डालते हैं कि दुनिया भर से क्या खबरें हैं, आइए आपको। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग जी जनाब, और अब कुछ बात कर लेते हैं NA-120 के हवाले से। इलेक्शन मुहिम जो है वो जोरों पर है और रात 12 बजे के बाद ये कैंपेनिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जितनी डोर टू डोर कैंपेन करनी है, जिस तरीके से वोटर्स को राम कर सकते हैं कर लें, लेकिन फिर उसके बाद 12 बजे के बाद मौका नहीं मिलेगा, तो इसी वाले से आपको ये एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कौमी असेंबली के हल्का NA-120 की इंतखाबी मुहिम फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है, सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने भी जीत के लिए सियासी चाल को फाइनल टच दे दिया है। दाता की नगरी सियासी जमातों के झंडों और उम्मीदवारों के बैनर से सज गई है, सज चुकी है। NA-120 पर जिमनी इलेक्शन के लिए 42 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, लेकिन असल लड़ाई नून लीग और PTI में तसव्वुर की जा रही है। नवाज शरीफ की नाअहली पर खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात 2018 का मंजरनामा भी करार दिया जा रहा है। जुमेरात को PTI की इंतखाबी रैली दाता दरबार पहुंची, जिसकी कयादत इमरान खान ने की। इमरान खान का कहना था कि मरियम बीबी आपके चोरी के पैसों की पकड़ हुई है, मरियम शरीफ वोट लेने आई तो उनसे पूछें पैसा कहां से आया। जिसने अरबों रुपया इस मुल्क से चुरा के मनी लॉन्ड्रिंग करके यानी के बाहर भेजा हो, आपका पैसा चुरा के क्या कौम उसको वोट देगी, क्या लोग उसको वोट देंगे जो यहाँ ग्वाल मंडी से उठा 5 मरले के घर में ये रहते थे, आज ये अरबोपति हैं, बच्चे इनके अरबोपति हैं, बच्चों के बच्चे अरबोपति हैं, आपका पैसा चुरा के यहाँ से बाहर गया है। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ के मुखालिफ चले हुए कारतूस हैं, उनकी हैसियत मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। NA-120 में जीत शेर की होगी या बल्ले की, उसका फैसला तो 17 सितम्बर को आवाम करेंगे। तो जनाब इंतखाबी मुहिम इस वक्त जारी है, रात 12 बजे से पहले पहले तक ही इंतखाबी मुहिम जो है वो तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से चलती रहेगी, लेकिन मैं एक बात नोट कर रही थी कि जब कल भी मैं इमरान खान की स्पीच सुन रही थी और उनकी जानिब से बयान सामने आ रहे थे और वो ज़ातियात पर उतर आए थे, उनका कहना था कि मरियम नवाज से भी कोई कहे कि जनाब सच बोला करें, सच बोलने की आदत डाल लें, फिर दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि जी 5 मरले के घर में रहने वाले लोग आज अरबोंपति हैं, तो ज़ातियात पर उतर आते हैं और इंतखाबी मुहिम का मतलब कतई ये नहीं है कि आप किसी की ज़ातियात पर उतर कर आएँ और किसी पार्टी को नीचा दिखाएं अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए, बल्कि आपको बताना चाहिए कि यार आप इस हल्के में रहते हुए आवाम की किस तरह से मदद कर सकते हो, वहाँ पर किस तरह के मज़ीद जो है वो उनकी डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आओगे,
होंगे, बजाय ये चीजें करने के हम देख रहे हैं कि अजीब ही इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो गई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यही ब्लेम गेम एक दूसरे की तरफ की जा रही है, जो कि बड़ी ही अफसोसनाक बात है। जी हाँ, बिल्कुल अफसोसनाक बात तो है और कुछ एथिक्स होती हैं उसको भी मुनज़्ज़म रखना चाहिए। तो अभी हमारे पास एक वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनाब, ये सोशल मीडिया की एक ऐसी वीडियो थी जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है और इनका इन बुजुर्ग का जो हम डांस देख रहे थे, ये तो हम लोग हैं जो टाइटल दे देते हैं कि जी अब इनकी दाढ़ी हो गई है तो ये बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए। अदरवाइज इंसान अगर दिल से जवान हो तो मेरा ख्याल है वो बुढ़ापे तक भी इतने जवान ही रहे। बिल्कुल, बड़ी एनर्जी के साथ डांस कर रहे थे। मुझे कोई वीडियो देख के ना आइडिया हो रहा था कि कोई फैमिली फंक्शन है जिसमें लोग बहुत ज्यादा जो है ना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं आप करें, यू कैन डू इट, मतलब कुछ भी हो आप कर सकते हैं डांस। तो मेरे ख्याल में इंजॉय का ताल्लुक जो है वो आपके जहन से होता है, एज मैटर नहीं करती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सबा कि अपनी फैमिली के अंदर अगर आप उनको कह दें कि जी डांस आप करके दिखा दें तो वो उनको आप खींचते हैं वो नहीं आते, लेकिन जब वो शुरू होते हैं ना वो नॉन स्टॉप होते हैं और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे लोगों की भी वीडियोस बड़ी वायरल हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो हमने एनए 120 के हवाले से बात की है, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। अगर इस वक्त हम बात करें तो मुल्क की हमारी जो ओवरऑल सियासी कयादत है किसी ना किसी केस में इस वक्त घिरी हुई है। कहीं पर हम देखते हैं कि करप्शन केसेस चल रहे हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि तौहीन अदालत केस चल रहा है, कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर एक तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से एहतसाब अदालत में केस चल रहा है, तो दूसरी जानब तौहीन अदालत के हवाले से इमरान खान के ऊपर भी केस चल रहा है। लेकिन ये दोनों रहनुमाओं की अगर हम बात करें और शरीफ फैमिली की खसूसी भी बात करें तो ये लोग इस वक्त अदालत में पेश होने के हवाले से कहते हैं कि जी हम अभी पेश नहीं हो सकते, अभी हमें वक्त चाहिए। और दूसरी जानब इमरान खान ने भी जो है वो मना कर दिया है कि मैं अभी अदालत में पेश नहीं होगा, और उनके खिलाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानब से गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया है। तो इन तमाम तो सूरत हाल में जो इनके मुकदमात हैं वो इस वक्त कैसी जगह पर खड़े हैं, इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। समाअत के मौके पर इमरान खान के वकील बाबर अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उनका कहना था गुज़िश्ता समाअत बैरून मुल्क होने के बायस इमरान खान पेश नहीं हुए। 25 सितंबर से पहले अदालत में 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके अहले खाना की मुबैना करप्शन के एहतसाब का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की पहली समाअत 19 सितम्बर को की जाएगी। अदालत ने नवाज शरीफ हसन और हुसैन नवाज को भी तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। ये नोटिस अदालत ने ऐसे वक्त में जारी किए हैं जब नवाज शरीफ अपने साहबजादों के हमरा लंदन में मुकीम हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कई बार ये वाजह कर चुके हैं कि नजरसानी दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल होने तक शरीफ फैमिली एहतसाब अदालत में पेश नहीं होगी। अब देखना यह है कि अदालत अदम पेशी की सूरत में साबिक वजीर आजम और उनके अहले खाना के साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, और वीडियो लिंक पर ही हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इसी केस की प्रोसीडिंग के हवाले से जानना चाहेंगे कि एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली को 19 सितंबर को तलब किया है, क्या होने जा रहा है, आगे की प्रोसीडिंग क्या होंगी, क्या होने जा रहा है 19 सितम्बर को। देखिए, आपको जैसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रेफरेंसेस पेश किए जा रहे हैं, 3 रेफरेंसेस नवाज शरीफ की फैमिली पे के ख़िलाफ़ पेश किए गए। शुरू में जब पेश किए गए तो शायद उसमें कुछ कमी थी तो नैब कोर्ट ने उसको वापस कर दिया था, और अब सुना है उन्होंने वो कमी पूरी करके उनको दोबारा नैब के सामने पेश कर दिए। अब जब नैब के सामने पेश हो गए हैं तो जो नैब का कानून है उसके तहत अगर चाहे तो ख़ुद उनको रेफरेंस पेश कर ते हुए उनको अरेस्ट कर सकती है, और अगर वो ना करे तो नैब कोर्ट उनको उनको अरेस्ट कर सकती है। तो इस वजह से चूंकि आमतौर से लोग जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस पेश होता है तो वो पहले जाके हाई कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट दे देते हैं, लेकिन चूंकि इसमें इस दफ़ा मालूम तो ऐसा हो रहा है कि शायद नवाज शरीफ उनकी फैमिली जो है वो उन्होंने इसकी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, बेल बिफोर अरेस्ट नहीं ली, और अगर नैब कोर्ट्स उनके खिलाफ वारंट इशू कर देते हैं फिर वो अरेस्ट भी हो सकते हैं।
तो ये इस तरह से कार्रवाई शुरू होती है। और एक दफ़ा जब नैब कोर्ट के सामने केस जाता है तो फिर वो नॉर्मल जिस तरह किसी क्रिमिनल कोर्ट में केस चलता है वैसे केस चलता है, यानी प्रोसिक्यूटर जो है अपनी एविडेंस लेके आता है और फिर उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं उसके विटनेसेस का, और उसके बाद फिर डिफेंस में जो है जिसके खिलाफ ये अक्यूज्ड होता है वो खुद अपनी गवाही भी लेके आ सकता है और वो उसके जो विटनेसेस हैं उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जजमेंट होती है नैब कोर्ट की, जिसके खिलाफ के फिर अपील हो सकती है हाई कोर्ट में और इसके बाद यकीनन सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा शाइक साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स जो है वो तो तब होंगी ना कि जब ये लोग अदालत में पेश होंगे। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जी शरीफ फैमिली ने अपना वाजे तौर पर ये स्टांस ले लिया है कि जब तक नजर सानी अपीलों की समातें चल रही हैं तब तक हम ना तो नैब में पेश होंगे ना ही हम एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस तमाम सिचुएशन के बाद अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो नैब अदालत में पेश नहीं होंगे, तो खैर वो इस वजह से कह रहे थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो उनकी रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है उसकी हियरिंग हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि वो तकरीबन एक ही साथ हो गई, यानी आज उनकी पेशी सुप्रीम कोर्ट में थी और उसमें आज उनकी आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गई हैं उनके वकील की, और मेरे ख्याल में कल तक इसका फैसला भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ थी जिसके बिना पर वो नैब कोर्ट के सामने नहीं अपेयर होना चाहते थे तो वो भी पूरी हो जाएगी, और अब इसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो नैब कोर्ट के सामने पेश हों। अगर इसके बावजूद वो नैब कोर्ट के सामने नहीं पेश होते तो फिर यकीनन उनके खिलाफ, जाहिर तो यही लगता है कि शरीफ फैमिली के जो है कोई चारा नहीं है नैब में पेश होने के अलावा। लेकिन अगर ये केस आगे बढ़ता है तो उस हवाले से कितनी सजा मुतवक्के है और क्या असासे को कौमी खजाने में वापस करने का भी हुक्म दिया जा सकता है? वापस का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाहर सूरत उनको सज़ा जो अगर ट्रायल में वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो उस सूरत में उनको मैक्सिमम सज़ा जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत की मिल सकती है, और उसके खिलाफ अपीलें हो सकती हैं, लेकिन ये सज़ा तो नैब के कानून में है कि 14 साल कैद बामुशक्कत। असासे जो हैं वो असासे भी अगर नैब कोर्ट चाहे तो वो असासे फ्रीज कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, यानी कॉन्फिस्केट नहीं करती, फ्रीज कर सकती है, यानी उसमें कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकेंगे, तो वो उसके ऑर्डर्स तो नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब कोर्ट पास कर सकती है। और आमतौर से इस केसेस में, इस टाइप के केसेस में, करप्शन के जो केसेस होते हैं उसमें नैब कोर्ट आमतौर से इस किस्म का ऑर्डर पास करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाली साहब, जस्टिस रिटायर्ड आप हमारे साथ थे और आज जो अदालत में तमाम तर कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस हवाले से हमने तज्जिया भी लिया उनसे। डेफिनेटली जो इस पर केसेस चल रहे हैं इंतहाई अहम है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में, मतलब एक तरफ हम देखें कि इससे पहले उनके दौरे भी बड़े लग रहे थे और इस वक्त जो दूसरे हल्के के ऊपर भी इस वक्त तैयारियाँ चल रही हैं वहाँ पर भी जो उनकी अहलियाँ हैं वो यहाँ पर पेश नहीं हो रही हैं, तो इन तमाम सूरत हाल में जो तज्जिया था वो तो हमने जान के आगे बढ़ते हैं। स्टोरी है बहुत सैड स्टोरी है, वो हमारे सीनियर जो हैं वो अदाकार हैं, सीनियर हमारे जो हैं वो अदाकार इफ्तिखार कैसर साहब हैं जो कि शदीद अलील हैं और उनको लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाया गया, वो कई घंटों तक स्ट्रेचर पर रहे, उसके बाद उनको किसी स्टाफ ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि उनको किस मेडिकल जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से उनको निगरानी की ज़रूरत है। बहरहाल मरियम औरंगजेब ने इस खबर का नोटिस तो ले लिया, लेकिन क्या हमारे अदाकार इसी तरीके से मरते रहेंगे, क्या हमारे ये असासे इसी तरीके से अपनी जान देते रहेंगे? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से फरजाना अली जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं आश न्यूज़ की, इसी हवाले से उनसे मज़ीद बात करेंगे। फरजाना साहिबा, जहां तक फनकारों के हवाले से बात की जाए तो उनकी जबोहाली का हाल ये है कि वो लेडी रेडिंग अस्पताल के स्ट्रेचर पर कई घंटों तक पड़े रहते हैं लेकिन कोई उनको पूछने के लिए नहीं आता और बिल आखिर वजीर इत्तला को नोटिस लेना पड़ता है। जी ये जो एक वाकया हुआ वाकई ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाकया था, क्योंकि इफ्तिखार कैसर को अगर मैं अपने बचपन को थोड़ा सा रिवाइज करूं तो बर्फियाँ एक प्रोग्राम उनका हुआ करता था, मैं बोलूं कि ना बोलूं, वो बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम किए थे, वो न सिर्फ एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट बल्कि बहुत अच्छे राइटर भी हैं।
शायर भी थे, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ अदवार में आर्टिस्ट बिरादरी के साथ जो कुछ मामलात हुए, टेररिज्म में मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वो जो एक दहाई का हमने अरसा गुजारा उसके बाद चूँकि ज़ाहिर है उनसे रोज़गार छीन गया और ये सारे मामलात हुए, तो वो बहुत ज़्यादा कसमा कुर्सी की ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर उसके बाद जब पिछली हुकूमत आई थी, उन्होंने थोड़ा सा रिवाइवल करने की कोशिश की इस सारी चीज़ को और टेररिज्म के चुंगल से आर्टिस्ट बिरादरी को निकालने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है जो मुश्किल हालात से गुजरे वो बहुत ज़्यादा कुछ बीमार हो गए, कुछ बेरोज़गार हो गए। नौबत यहाँ तक आई कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे जो सिंगर थे उन्होंने चपली कबाब तक की दुकानें भी लगाई, यहाँ तक मामलात आए थे। लेकिन इन्हीं में से अगर हम इफ्तिखार कैसर की बात करें तो ये बहुत अरसे से गुर्दों के मर्ज में लाहक थे और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा शुरू में जो थी, जाहिर है जब पहले पहले पता चलता है कि आपकी किडनीज फेल हो गई है तो इब्तदाई तौर पर ट्रीटमेंट हुई ये सारा, लेकिन मैं इस सारे चीज़ से हटकर कि आर्टिस्ट बिरादरी के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत और मौजूदा हुकूमतें, आपने जो कहा कि वो कसमोपुर्सी की ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, बिल्कुल लेडी रीडिंग अस्पताल में उनके साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा फरजाना, हुकूमत की सतह पर देखें तो फरजाना आपसे ये जानना चाहेंगे पहले तो कि इस वक्त इफ्तिखार साहब की तबीयत किस तरह की है, ये केस जिस तरह से सामने आया डेफिनेटली बड़े अफसोसनाक बात है, लेकिन अब उनकी तबीयत किस तरह की, आपने बताया कि गुर्दों की उन्हें तकलीफ थी, तो ये भी बताइएगा कि इस वक्त वहां पर एक्शन की जो बात कर रहे थे कि अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया गया है, वो एक्शन क्या लिया गया है? देखिए सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि वो जो इमरजेंसी में उन्होंने एक रात गुजारी उनको फौरी तौर पर सुबह के वक्त शिफ्ट कर दिया गया था, आईसीयू में वो एडमिट हैं, हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बेटे ने भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन, उनके बेटे ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कह रहे थे कि आईसीयू में वो एडमिट हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनके पास से मतलब किसी एक बड़ा बेटा जो बात कर सकते। जी 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 बिल्कुल। अच्छा फरजाना अली, बड़ा बेटा जो बात कर सकता था वो हमें ज्वाइन नहीं कर सका बदकिस्मती से, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि जब एडमिशन हो गया तो उसके बाद हुकूमत ने हमारे साथ काफी तावन किया है, और अगर मैं आपको बताऊं तो पीर के दिन इनको 3 लाख रुपए का हुकूमत की तरफ से चेक भी मिला है। लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो जी जी। तो मैं बताऊँ की पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2016 और 2017 में एक फंड फनकार बिरादरी के लिए, आर्टिस्ट बिरादरी के लिए शुरू किया था, 12 करोड़ रुपए की लागत का ये एक फंड था और उसमें उन्होंने 500 यानी कि 500 आर्टिस्ट ऐसे सिलेक्ट किए थे जो या तो गरीब हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, अब जाहिर है उन्हें कोई ड्रामा नहीं मिल रहा या इस तरह से मतलब उनका कोई रोजगार नहीं है, तो 30,000 रुपए पर मंथ इनको दिए जाते थे। ये तकरीबन 8 महीने तक ये चला था, फिर उसके बाद जाहिर है वो जो 12 करोड़ रुपए थे वो उसी अमाउंट क्योंकि खत्म हो गया तो वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। अभी हम मेरी जब हुकूमत से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम फिर से इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इसमें तकरीबन एक और भी इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो 3 करोड़ रुपए का था, जिसमें कुछ आर्टिस्ट जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनको भी कुछ इमदाद दी जाती थी। फिर ये इनफैक्ट ये इंकरेजमेंट फंड इसको कहते हैं। फिर इसके अलावा जो लोग बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इफ्तिखार कैसर बहुत अच्छे राइटर थे, अगर वो किताबें छपवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट 30 करोड़ का रखा था। इफ्तिखार कैसर की अगर मैं बात करूँ तो इनको 6,40,000 रुपए की इमदाद अब तक सूबाई हुकूमत दे चुकी है, 1 लाख जब ये शुरू में बीमार हुए थे और 3 लाख जो है वो पिछले पीर को दिए गए, 2,40,000 भी दिए गए। तो इस तरह उनके बेटे ने खुद बताया है कि ये 6 लाख की रकम जो है हमें सूबाई हुकूमत से मिली। ठीक है फरजाना अली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हुकूमत फनकारों के लिए फंड्स मुख्तस करती है, लेकिन हमारे यहाँ आर्टिस्ट की एक पूरी दुनिया, एक पूरी नगरी है, अगर 500 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे तो बाकी लोगों का क्या होगा, इसके ऊपर भी डिवेलपमेंट करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी कोई सीनियर आर्टिस्ट, जब भी कोई सीनियर फनकार मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, जब तक उसके लिए हेडलाइंस ना लगे, जब तक उसकी मुश्किल नजर ना आए, हुकूमत मदद नहीं करती, उससे पहले ही उसको क्यों नहीं मदद फराहम की जाती, उससे पहले ही उसके लिए कोई ऐसा हेल्पिंग सेल क्यों नहीं है कि वो वहां पर जाए और अपने इस सेहत के मसले को तो कम से कम एड्रेस करे और उसका सेहत का मसला हल हो जाए। जी बहुत बहुत बेहतरीन और वैलिड क्वेश्चन आपने किया है और यही हमारा अलमिया है। अब ये देखे ना,
मैं बहुत सराहती हूँ कि मरकजी वजीर इत्तला'आत ने मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसका फौरन एक्शन लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है जो मुझे दुख होता है, बहसियत जर्नलिस्ट बहसियत इंसान हम इस कम्युनिटी को बहुत करीब से आर्टिस्ट कम्युनिटी को देख रहे हैं कि जब तक मीडिया की हेडलाइंस ना बने, अखबार में खबर ना छपे, कोई आगे नहीं बढ़ता और इनको सहारा नहीं देता। ये बाकी बिल्कुल सही है और जो कुछ इफ्तिखार कैसर के साथ हुआ लेडी रीडिंग अस्पताल में वो वाकई वो उसकी जरूर मुजम्मत भी होनी चाहिए और जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए और हुकूमत ने कहा है कि हमने एक्शन ले लिया है तो वो एक बात है, लेकिन बस हमारी बदकिस्मती समझे कि जब तक मीडिया के कैमरे आते नहीं है किसी इश्यू पर उस वक्त तक हुकूमतें नहीं जागती। ये जो फरजाना हमारे साथ थी पेशावर की ब्यूरो चीफ और डेफिनेटली हम सब दुआगो हैं कि इफ्तिखार साहब जो हैं वो जल्द से जल्द उनको सेहतयाब हो जाए हो जाए। यहाँ पर आपको एक ताज़ा खबर से भी आगाह करते हैं और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे अदालती फैसलों के हवाले से तो इस वक्त पनामा केस के हवाले से आपको खबर देंगे कि पनामा केस पर जो नजरसानी की अपीलें दायर की गई थी जो समाअत हो रही थी उस समाअत पे जो है वो फैसला बिल आखिर महफूज कर लिया गया है। फैसला क्या है ये तो वक्त के साथ साथ ही रिवील होगा, लेकिन आपको ये बताएं कि समाअत हुई है और समाअत के बाद अब फैसला महफूज कर लिया गया है। हाँ, पनामा केस का ये मामला है जिस पर नजरसानी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है और इस फैसले में इंतहाई अहम जो है वो मुशावरत की गई होगी, इंतहाई अहम जो है ये पटिशन थी, रिव्यू पटिशन थी जो कि दाखिल की गई थी और इसकी समाअत हुई थी जिस पर इसका फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। और अगर जैसे जैसे इन्हें 120 के बारे में बात की जाए, जैसे जैसे समातों के हवाले से बात की जाए तो उसमें ये एक अहम समाअत थी जो कि आज हो रही थी और इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तो ये रिव्यू पटिशन का मामला है जिसपे कानूनी माहरीन मोस्टली यही कहते हैं कि जो भी रिव्यू पटिशन होती हैं वो यूजुअली मुस्तरद हो जाती हैं क्योंकि वो पहले से ही जो है वो उनको पता होता है उन जजेस को ये तमाम केसेस। इसके हवाले से अभी आपको बताते हैं कि शेख रशीद जो है इस वक्त बातचीत के लिए मीडिया से बातचीत करेंगे और उस हवाले से हम आपको थोड़ी देर में भी अपडेट करेंगे। बिल्कुल जनाब, और इस वक्त अगर इस केस की समाअत के हवाले से बात करें बल्कि उससे भी पहले आपको बताएं कि शेख रशीद आ चुके हैं तो उनकी पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं। जी, दुआ से मैं एलएनजी का केस भी जीतूंगा और साबित करूंगा कि काकान अब्बासी पार्टनर है और इसमें बड़े बड़े 200 अरब रुपए के कपले हैं। थे जिसमें उनका कहना था कि खाकान अब्बासी जो हैं वो पार्टनर हैं और घपले किए गए हैं। और शेख रशीद के हवाले से आज सुबह भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर शेख रशीद ने गुफ्तगू की है जिसमें उनका यही था कि आज उनकी विक्ट्री होने जा रही है अगर ये केस जो है वो दायर हो जाता है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं आजादी कप के हवाले से जो कि किसके पास जाएगा इसका फैसला आज हो जाएगा। जी हाँ, एक तरफ वर्ल्ड 11 है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम है, क्रिकेट फीवर हाई है, क्रिकेट इस इंतजार में है कि आज का मैच पाकिस्तान जीत जाए और सीरीज भी अपने नाम कर ले। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। सर, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज फाइनल मैच है, कौन सी टीम को विनर देख रहे हैं आप? देखें, दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं। पहले मैच में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, दूसरे मैच में आखिरी लम्हात में पाकिस्तान टीम ने थोड़ी सी ग्रिप जो लूज की, 33 रन चाहिए थे दो ओवर्स में, लेकिन वर्ल्ड 11 की टीम में जिस तरह तुषारा परेरा और हाशिम आमला ने बैटिंग की तो पाकिस्तान से जीता हुआ मैच एक गेंद पहले छिन गया। तो मेरे ख्याल में मैच तो आज भी कांटे का होना चाहिए चूँकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, आज छुट्टी का दिन है, कल से सैटरडे संडे वीकेंड शुरू हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि फुल हाउस होगा या लाहौर में, और लाहौरी जिस तरह पिछले दोनों मैचों में एंजॉय करते रहे तो लग रहा है कि क्रिकेट में एक और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलना चाहिए आज। अच्छा माजिद साहब, ये बताएगा कि डेफिनेटली आज एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है, वर्ल्ड 11 पाकिस्तान मध्य मुकाबले होंगे, लेकिन क्या समझते हैं आप पाकिस्तानी टीम को होम ग्राउंड होने का थोड़ा एज मिल जाएगा? और पिच के हवाले से भी बताएगा कि पाकिस्तानी टीम के लिए इसमें कौन सी पिच ज्यादा मददगार होगी, बैटिंग पिच या बॉलिंग पिच? देखें, T20 क्रिकेट में तो नॉर्मली बैटिंग पिचेस बनती हैं, होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर होता है लेकिन होम ग्राउंड में प्रेशर भी होता है कि आप अपने लोगों के सामने खेल रहे होते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, मीडिया का बहुत ज़्यादा आजकल प्रेशर होता है। तो मेरा ख्याल में विनर वही टीम होगी
जो अपने आसाब पर काबू रखेगी और जो अपना प्लान है उसके मुताबिक चलेगी। पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 18 जून को उसने जिस तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को हराया जी। तो पाकिस्तान की टीम में सलाहियत तो है, लेकिन ये जो 7 मुल्कों के प्लेयर है ना, इनमें एक से बढ़कर एक प्लेयर है। तो अगर पाकिस्तान आज मैच जीत गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज अगर मैच जीत जाते हैं हम लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर आएगी। और वर्ल्ड 11 की बात की जाए तो जाहिर सी बात है दुनिया भर का टैलेंट, दुनिया भर के सिलेक्टेड प्लेयर्स उसके टीम में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम भी अनप्रिडिक्टेबल समझी जाती है, कभी भी किसी को शिकस्त दे सकती है। सर, अगर आज का मैच हम जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने सीरीज भी जीत ली है, तो आगे के मैचेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी फिर? देखिए, ये आखिरी मैच है, इसके बाद सीरीज की तो बात खत्म हो जाएगी, सीरीज पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने यहाँ से जाना है इस महीने के आखिर में मुत्तहिदा अरब अमारात, तो वहाँ श्रीलंका से सीरीज है। लेकिन इस आजादी कप का देखें, इसके जीत हार का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 8.5 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, बीच में छोटी सी सीरीज जिम्बाब्वे की हुई थी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिवाइवल है ना, उसके लिए इस सीरीज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने वेलकम किया है गैर मुल्की प्लेयर्स को और जितनी अच्छी सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड पर, जिसका नजम सेठी साहब ने परसों एतराब भी किया था कि जो टिकटों की प्राइस है बहुत ज्यादा हाई है, 12,000 रुपए प्राइस है, 8,000 रुपए प्राइस है। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलती की है ना, अच्छी बात है आपने गलती तस्लीम कर ली, तो हमने मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमसे इस सीरीज में गलतियां हुई है, आगे चलकर हमने उन गलतियों को दूर करना है। लेकिन जो सिक्योरिटी का मामला है कि इस बार जितनी जबरदस्त सिक्योरिटी दी है, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की हुकूमत ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्यूचर में अगर कोई और गैर मुल्की टीम, जिस तरह नवंबर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में श्रीलंका की टीम ने एक मैच के लिए आना है, फिर वेस्ट इंडीज की टीम ने नवंबर में आना है, तो क्या अब फ्यूचर में इतनी ही अच्छी सिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पंजाब दे सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब हमें अपनी क्रिकेट को लाहौर से बाहर निकालना होगा, कराची लेकर जाना है, ये मुद्दा भी जो है अब्दुल मजीद साहब हम लोगों ने उठाया था अपने पिछले शोज में कि सिर्फ लाहौर में नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मुख्तलिफ शहर हैं, कराची है, इस तरह मुल्तान है, रावलपिंडी, यहाँ पर भी जो है वो मैचेस होने चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है शुरुआत है, तो एक पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव तौर पर ही हमें लेना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बातों बातों में ना पाकिस्तान की जीत की प्रेडिक्शन दे दी है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जीत जाए। ये जानना जरूर चाहूंगी मैं आपसे कि अभी हमने देखा पाकिस्तान ने पहला जो मैच खेला, जो पहला मैच था T20, वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी डोलती हुई नजर आई है, और ऐसा अक्सर ही होता है कि पाकिस्तानी टीम की थोड़ी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रह नहीं पाती है। जो दूसरा अभी मैच हुआ है वर्ल्ड 11 के साथ, क्या समझते हैं आप, कहां पर कमी रह गई थी बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग में? देखें, अगर आपको याद हो कि जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो हसन अली पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर बने थे, और हसन अली ने पाकिस्तान अहम किरदार अदा किया था। पिछले मैच में हसन अली कमर की तकलीफ का शिकार हुए थे और वो मैच नहीं खेल सके थे। तो आज एक तो आपके लिए जो एक अहम खबर यह है कि हसन अली आज फिट करार दे दिए गए हैं और आज के मैच में हिस्सा लेंगे। तो मेरे ख्याल में हसन अली की जगह जो सोहेल खान का इंक्लूजन था ना, सोहेल खान ने गालिबन 4 ओवर्स में 44 रन दिए, तो सोहेल खान की जो बॉलिंग थी और सोहेल खान ने फिर फील्डिंग में जो लैप्सिस किए, तो मेरे ख्याल में शिकस्त की बड़ी वजह पाकिस्तान की फील्डिंग बनी और सोहेल खान की जो सही, बिल्कुल इस बात का एतराफ सरफराज अहमद ने भी किया है कि फील्डिंग में थोड़ी सी कमी थी, और थोड़ी सी मजीद हम तवज्जो देंगे। अच्छा, मजीद आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आज के दिन की जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बैटिंग पिच है और अब हसन अली भी इंक्लूड हो गए हैं, तो कम बैक कर सकता है पाकिस्तान? बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम में ये सलाहियत है कि कम बैक कर ले। पिछले मैच में पाकिस्तान ने बनाए थे 175 रन, लेकिन पहले मैच में जो पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ दिया था वर्ल्ड 11 को, तो मेरे ख्याल में 20 रन की जो कमी थी ना, उस 20 रन की कमी को अगर पाकिस्तान की टीम आज बैटिंग करती है पहले, तो उस 20 रन की कमी को पूरा करना होगा। लेकिन मेरा सिर्फ सरफराज अहमद को ये मशवरा है कि अगर आप टॉस जीत लेते हैं तो चेस करने जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस सीरीज को अगली सीरीज की तैयारी के तौर पर भी ले रहा है,
तो अच्छा है कि पाकिस्तान को जो बड़ी सीरीज आ रही है श्रीलंका की उसके लिए प्रैक्टिस मिलेगी, तो चेस करना मेरे ख्याल में कज़ाफी स्टेडियम की इस विकेट पर एक अच्छा ऑप्शन होगा। और डेफिनेटली आज एक मैच होने जा रहा है, एक अहम टाकरा होने जा रहा है और उस हवाले काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो बात ये नहीं है कि जीतता कौन है, हारता कौन है, उम्मीद तो हमें है कि पाकिस्तानी टीम जीते, लेकिन अगर नहीं भी जीते तो मेरी एक जरूर ये इल्तिजा भी है कि काश हमें आज अच्छा मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि वीकेंड भी है और लोग काफी एक्साइटेड है कि आज फाइनल में क्या होने जा रहा है। सो वी विश बोथ द टीम्स ऑल द बेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, हम ऑल दी बेस्ट कहते हैं अपनी पाकिस्तानी टीम को और खेलिए, जम के खेलिए। और बिल्कुल क्रिकेट का रंग जमने वाला है आज शाम को 7 बजे। आई होप कि पाकिस्तानी आज़ादी कब भी जीत जाए और साथ साथ क्रिकेट का ये रिवाइवल सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो गुड मॉर्निंग, आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज।